गाइस आ चुके हैं यहाँ और ऐसे पट्टा चल रहा है, 1.5 क्विंटल धान है सर पे लेके आ रहे हैं और उनके गाइस इस जगह का काम समाप्त हो चुका है, अभी चल रहे हैं दूसरी तरफ। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मत मिस करना गाइस। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग देख के आपके जमीन के नीचे से पैरों हट जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो, बाहर आ चुके हैं तो आज बहुत दूर जाने वाले हैं गाइस। ये रहा ट्रैक्टर, जस्ट निकलने ही वाले। ब्लॉग मत मिस करना भाई, आज पूरा दिखाते हैं पूरा दिन का काम, पूरा दिन हम कितना काम करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं सारा। तो गाइज हम दोनों ट्रैक्टर साथ ही निकाल, ये निकलने वाला है, इसको दिखाते हैं, ये चला जाएगा चारा कतरेगा और ये मशीन हमारा चारा कतरा रहता है, उस मशीन पे हमारे धान धरा जाता है। तो दोनों ट्रैक्टर साथ ही निकालते हैं, तो ये वाला निकल के ये चला जाएगा अपना चारा कतरने, हम लोग जाएंगे धान। तो ये देखिए फाइनली ये स्टार्ट होके जा रहा है। तो जैसे देख सकते हो ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है और हम लोग चलेंगे और आज पता नहीं कहां तक चले जाएं क्योंकि आज कोई फोन कॉल नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना। चलो भाई साहब चलते हैं और मिलते हैं वहीं आप लोगों को ब्लॉग पे। तो अभी जस्ट गांव से निकले हुए हैं, तो चलते हैं और कहां पहुंचते हैं ना, कोहरा भी आज ज्यादा है। आज सुबह सूरज भगवान निकल रहे हैं, तो आगे देख सकते हो धुंध कितना भयंकर पड़ चुका है। गाइस आ चुके हैं यहां और ये ट्रैक्टर है और शायद हमारा चारा वाला भी ट्रैक्टर उधर है, तो चल के हम उधर दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हो ये यहां पे चारा वाला हमारा ट्रैक्टर भी मिल चुका है, यहाँ इसी गांव में चारा कतर रहा है। ये देखिए कितनी स्पीड, कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे वो वाला ट्रैक्टर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया है और हमारा ये वाला ट्रैक्टर अभी यहाँ पे ये देखो। तो गाइज हम आ चुके हैं गंज गांव में, जो हमारे गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है। वो पीछे आप देख सकते हो हमारा मशीन चल चुका है, तो अभी यहाँ पे मशीन चल रही है, आप देख सकते हो काफी भीड़ लगी हुई है, धान काढ़ा जा रहा है, पापा ऊपर है, डाले में डालना पड़ता है धान। ये देखो भाई साहब ये अभी रास्ते से होके ये जा रहा है, तो आज ये भी इसी गांव में मिल गया था, यहाँ चारा कतरने के बाद अब अलग आगे गांव में जाएगा और आपको दिखाते हैं चावल के। तो भाई आप देख सकते हो अभी यहीं पे मशीन चल रहा है उतनी समय से, तो जहाँ पे मशीन चल गया था बस चावल की क्वालिटी देख कर लोग धान कढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर से दिखाते हैं एक बार, यहाँ पे आप देख सकते हो ये देख, कार आ गई है, अभी देखते हैं निकल पाती है कि नहीं। अभी निकल रही है कार, है ना, रास्ते में खड़ा था तो इसीलिए। तो गाइस अभी एक ही जगह मशीन चल रहा है, तो आज इनके चावल की क्वालिटी हम दिखाते हैं, आइए देखिए। तो कुछ ऐसा सीन रहने वाला है और इधर देखो चारा कतरा जा रहा है, गलत तरीके से मशीन चला रहे हैं। ए ये कपड़ा हटाओ, वो कपड़ा हटाओ, हाँ ऐसे। गाइस अभी यहीं पे मशीन चल रहा है और इधर चोर होता है कना इसका, यहाँ पे ये देखो ये, तो धूल उड़ा कर के हमने बोरा लगा दिया है यहाँ। तो ये है गांव की लाइफ, गांव में देख रहे हो लोग कैसे रहते हैं। अभी नेक्स्ट आगे पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहना, सारा कुछ देखते रहना। चावल ही चावल, चावल निकालने की एक्सपीरियंस पे इधर देख सकते हैं आप, ये धूप का आनंद भी ले रहे हैं और आपस में बात करके मजे भी ले रहे हैं। गाइस अभी पोजीशन है चेंज और इस पोजीशन पर मशीन चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे गांव उसी गांव में है लेकिन पोजीशन चेंज। गाइस अभी इस लोकेशन पे धान मशीन देख रहे हैं चल रहा है और अभी अभी चावल क्वालिटी देखने के बाद यहाँ भी भीड़ लगने वाली है, देख सकते हैं आप यहाँ। तो आप देख सकते हो भाई धान बना बना आ रहा है, वो देखो धान लेके आ रही है, यहाँ पे मशीन चल रहा है, तो चावल की क्वालिटी को देख धान निकलना शुरू हो जाता है। तो ये देखो धान लेके आ रहा है, पूरा का पूरा धान इनको काढ़ा जा रहा है, देख सकते हो दोनों तसले में चावल जा रहा है, देखो बड्डा बड्डा ये पट्टा चल रहा है, दादी पूरा झाल भाई 1.5 क्विंटल ऊपर सर पे लाद के ला रहे हैं, देख लो 1.5 क्विंटल धान है सर पे लेके आ रही हैं और उनके पीछे भी लेके आ रही हैं, दादी उधर से घूम के लेके आ रही हैं धान, देखो दादी को ये है पुरानी स्थिति, पूरा का पूरा धान उठा ली है, चावल को ऐसे टांग कर ले जा रहे हैं। भाई जितने भी लोग आ रहे हैं चावल की क्वालिटी देख रहे हैं, बस तुरंत धान लाना शुरू कर दे, देख सकते हो भीड़ लगने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी स्पीड में धान जा रहा है मशीन में, देखो पूरा गड्ढा होता चला जा रहा है।
गांव देहात में आप देख सकते हो कितना जानवर लोग पालते हैं। देखो भाई दूर दूर से चावल धान लेके बच्चे आ रहे हैं, ये देखो। अभी गाइस दिखाते हैं चावल की क्वालिटी। तो ये है बेहतरीन चावल और तो देखकर भीड़ लगती है। देखो भाई जैसा कि गाइस मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आए थे और सुबह 6 बजे जब आए ना तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अभी इतना धूप हो चुका है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। धूप आप देख सकते हो, ये गाइस देख सकते हो इस उम्र में दादाजी को, आप देख सकते हो इस उम्र में दादाजी कितना बोझा ढो रहे हैं। तो गाइस इस जगह का काम समाप्त हो चुका है, अभी चल रहे हैं दूसरी तरफ। गाइस आप देखो ये हुआ कना यहाँ पे फुल हो रहा था तो इसको पीछे कर लिया जाए इधर से, ये देखो ये। तो गाइस फिर से लोकेशन हो चेंज और अभी है दूसरी लोकेशन पे। तो अभी यहाँ पे भी ट्रैक्टर थोड़ा सा हर गया था तो इसको पीछे कर दिया जाएगा, तो यहाँ भी धान मिल गया है। तो यहाँ अभी आता है चावल, तो यहाँ भी अभी मिला है धान काटने का। तो यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसा है, अभी लेके आ रहे हैं फिर दिखाते हैं ड्रम में भर के धान लाए। धान है बोरी या ड्रम कहीं भी आराम से भर के ला सकते हो, देख सकते हो इसको डाले में डाला जाएगा, ये देखिए। तो गाइस ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, इतना छोटू से गांव है। तो छोटू से गांव में मशीन चल रही है और ये है आगे का नजारा, गरीब गांव है भाई। आप इधर देख सकते हो मशीन जहां हमारा चल रहा है, अभी एक ही गांव में है, सुबह से निकले हुए हैं अभी और मशीन चल रहा है इधर छोटू से। ये छोटू से गांव है हमारा, 1x1 करके लोकेशन चेंज होता है तो वहीं भीड़ लग जाती है। अभी यहां चल गया ना तो यहां भी भीड़ लग जाएगी। गाइस अगर आपको गाँव की लाइफ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और जुड़ जाना इस चैनल। गाइस देख सकते हो वो काफी दूर से धान लेके आ रही हैं, वो देखो चाचा बहुत दूर दूर से धान लेके आ रही हैं। जी यार मशीन जाम हो गई अचानक, पता नहीं क्या। तो ये देखो यार जाम हो गई थी मशीन, ये देखो फाइनली। नहीं नहीं कुछ ना करो तुम यार, धीरे से वह हो जाए हट जाए। तो गाइस देखो मशीन जाम हो गई थी, वो देखो किसी प्रकार से इसको ढीला करके अभी धीरे धीरे करके निकाला जाएगा, नहीं तो पूरा मशीन जाम हो गया था यार। देखो अभी सही हो गए गाइस, गलती की वजह से मशीन जाम हो गई थी लेकिन अभी फिट हो गई है, अब चलाते हैं। गाइस मशीन फंस गई थी, मैं डर गया था लेकिन अभी सही हो गई है और चलने लगी है। ये देखो चावल की क्वालिटी, मोटा चावल है, बहुत बढ़िया चावल है। तो गाइस इन दोनों को देखो आप लोग, चलते हैं और दिखाते हैं, अब लोकेशन चेंज हो गया। तो गाइस आप देख सकते हो लोकेशन फिर से चेंज है और इधर देख लो बेचारे अपने घर का निर्माण कर रहे हैं मिट्टी से और किसी तरह से जीवन यापन हो रहा है। गाइस देख सकते हो मिट्टी का घर है और बेचारे इधर घर भी बना रहे हैं। तो यार बहुत अच्छा चावल निकल रहा है, तो चाचा कह रहे हैं एक बार और वीडियो बना लो, दिखाते हैं आपको चावल की क्वालिटी। देखिए गाइस बहुत अच्छी है चावल की क्वालिटी, बहुत ही ज्यादा। भाई यार सुबह से कुछ खाए नहीं है तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मैं तो अब नहीं रुक पाऊंगा, मैं तो घर निकल लूंगा भाई। तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।